हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिसे 2003 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द ड्रीमर्स, जिसे डायरेक्ट किया था बर्नार्डो बर्टोलुसी ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मैथ्यू नाम के बंदे को देखते हैं। वो एक अमेरिकन होता है और फ्रेंच सीखने के लिए फ्रांस आया है। मूवी में 1968 का टाइम दिखाया गया है, जिस टाइम पर फ्रेंच गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच दंगे चल रहे थे। एक दिन कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मैथ्यू पहली बार इजाबेल से मिलता है। इजाबेल उससे कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है, तुम अकेले ही घूमते रहते हो और किसी से बात नहीं करते। तब मैथ्यू कहता है, मैं अमेरिका से आया हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। इजाबेल उसके भाई थ्यू से मैथ्यू को इंट्रोड्यूस करवाती है। इजाबेल और थ्यू ट्विंस होते हैं, फिर इनमें दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। घर लौटते टाइम ये और भी बातें करते हैं। मैथ्यू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे फाइनली दो दोस्त मिल गए थे। इजाबेल और थ्यू अपना खाना मैथ्यू के साथ शेयर करते हैं, इससे इनका बॉन्ड और भी ज़्यादा बढ़ता है। होटल पहुंचकर मैथ्यू अपनी मॉम को लेटर लिखता है और वो उन्हें इजाबेल और थ्यू के बारे में भी बताता है। अगली सुबह मैथ्यू को थ्यू का कॉल आता है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब मैथ्यू उनके घर पर जाता है तो उनका घर देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। मैथ्यू उनकी मॉम से भी मिलता है, फिर इजाबेल उसे अपने डैड से मिलाने ले जाती है। उसके डैड फ्रेंच ऑथर हैं। डिनर के टाइम इजाबेल के डैड लेक्चर, पोएट्री, पोएम, इन सब के बारे में स्पीच दे रहे थे, लेकिन मैथ्यू का ध्यान उस पर नहीं था। वो इजाबेल के लाइटर के साथ खेल रहा था, जिससे इजाबेल के डैड मैथ्यू पर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मैथ्यू भी स्मार्ट होता है। वो उनसे कहता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है, ये लाइटर इस टेबल के क्लॉथ के साथ मैच हो रहा है और इसका सेप भी इस रूम के बाकी सामान के साथ पर्टिकुलर तरीके से मैच हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है दुनिया की हर चीज़ में एक सिमिलैरिटी है, जो मुझे आज रियलाइज़ हुआ, मैं अब तक वही सोच रहा था। इन सब बातों से उसके डैड बहुत इम्प्रेस होते हैं। उन्हें मैथ्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो कहते हैं, काश थियो भी ऐसा होता। दरअसल थियो और उसके डैड की बनती नहीं है। थियो का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होता है और उसे फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो प्रोटेस्ट और रैली को सपोर्ट करता है। लेकिन उसके फादर शांत स्वभाव के हैं और उन्हें शांति पसंद है। फिर डिनर टेबल पर उन दोनों में बहस होने लगती है। उनकी मॉम मैटर को संभालती है और वो दोनों कुछ दिनों के लिए कुछ काम से बाहर जाने वाले हैं। वो थ्यू और इजाबेल के लिए कुछ चेक्स छोड़कर जाते हैं। ये दोनों रात में मैथ्यू को उनके घर रुकने के लिए कहते हैं। थ्यू मैथ्यू को उसका रूम दिखाता है। आधी रात को मैथ्यू वॉशरूम जाता है, फिर वॉशरूम से लौटते टाइम उसे थ्यू के रूम का दरवाज़ा ओपन दिखता है। जब वो रूम में देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर इजाबेल और थ्यू दोनों ही एक साथ सोए थे और दोनों नेकेड थे। भाई बहन को ऐसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो अपने रूम में आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह उनके मॉम एंड डैड चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू को जगाती है। मैथ्यू उसे देखकर शर्मा जाता है क्योंकि वो बस अंडरवियर में था। इजाबेल उसे जल्दी बेड से उठने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर जब वो ब्रश कर रहा था, तब इजाबेल उसके लिप्स को टच करने लगती है। उसके लिप्स बहुत रेड थे, इसलिए उसके लिप्स इजाबेल को बहुत पसंद हैं। वो उसे लिपस्टिक लगाने लगती है। ये देखकर मैथ्यू वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन थ्यू उसे रोकता है और वो सबके सामने ही कपड़े उतारकर नहाने लगता है, जो मैथ्यू को बहुत ऑकवर्ड लगता है। थ्यू मैथ्यू से कहता है, हमारे पेरेंट्स एक महीने तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो। तब मैथ्यू कहता है, हम सिर्फ दो दिन पहले ही मिले हैं और तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। लेकिन थ्यू कहता है, जानने के लिए ही तुमसे यहाँ रहने के लिए कह रहा हूँ। तब मैथ्यू इजाबेल से पूछता है, क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर इजाबेल कहती है, ये आइडिया मेरा ही था। फिर मैथ्यू उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन मैथ्यू और थ्यू के बीच चार्ली चैपलिन को लेकर कुछ बहस हो रही थी, तब इजाबेल उन्हें शांत करके एक एक्टिंग करके दिखाती है। ये गेम थ्यू और इजाबेल अक्सर खेला करते थे, जिसमें वो किसी मूवी का सीन एक्ट करके दिखाते हैं और सामने वाले को उस मूवी का नाम बताना होता है। अगर सामने वाला नाम नहीं बता पाता तो उसे एक डेयर करना पड़ता है। इजाबेल ने जिस मूवी का एक्ट किया था वो मूवी बहुत ही पुरानी थी, लेकिन फिर भी मैथ्यू मूवी का नाम बता देता है। इससे वो दोनों बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं, इतने दिनों से हम तुम्हारे जैसे ही फ्रेंड को ढूंढ रहे थे, जिसके साथ हमें एक डेयर करना है। दरअसल वो उस सीन को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये फैंटेसी है उनकी। उस सीन में तीन दोस्त एक आर्ट गैलरी में रेस कर रहे थे, यही सेम चीज़ ये तीनों भी करेंगे और उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। लेकिन मैथ्यू मना करता है क्योंकि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो बाद में मान जाता है। फिर तीनों रेस लगाते हैं और पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं। घर लौटते टाइम बारिश हो रही थी और तीनों ही भीग गए थे।
थियो उसे अपने रूम में बुलाता है और पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने लगता है। जब वो ड्रिंक लेने जाता है तब मैथ्यू को उसके कबर्ड में से कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। इसमें से इजाबेल की फोटो वो ले लेता है और पैंट के अंदर छुपा लेता है। थियो ड्रिंक लेकर वापस आता है, फिर इजाबेल भी आ जाती है और वही गेम खेलने लगती है। वो एक सीन एक्ट करके दिखाती है लेकिन थियो उस मूवी का नाम नहीं बता पाता तो उसे डेयर करना होगा। इजाबेल उसे एक फ़ोटो को देखकर सबके सामने मास्टरबेट करने को कहती है। थियो आराम से ये काम करता है। फिर थियो और मैथ्यू एक बार में जाते हैं, तब मैथ्यू उधर कहता है, मेरी भी दो बड़ी बहनें हैं, वो लोग कभी मुझे उनके सामने मास्टरबेट करने के लिए नहीं बोलती और मैंने बेड पर तुम दोनों को एक साथ नेकेड सोते हुए भी देखा है, आखिर तुम भाई बहन में ये सब चल क्या रहा है। फिर थियो कहता है, हम दोनों ट्विंस हैं और पैदा होते टाइम हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हम दोनों की बॉडी अलग है लेकिन दिमाग से हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर एक दिन वो उन दोनों को एक एक्ट करके दिखाता है। वो दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाते। थियो उन दोनों को एक डेयर देता है कि उसके सामने ही उन दोनों को इंटीमेट होना होगा। इजाबेल मान जाती है और दोनों के सामने कपड़े उतारने लगती है, पर मैथ्यू मना करता है लेकिन फोर्स करने पर वो भी मान जाता है। उसकी पैंट के अंदर से इजाबेल की फ़ोटो मिलती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत हंसते हैं। फिर ये दोनों थियो के सामने इंटीमेट होते हैं और थियो कुकिंग करने लगता है। फिर हम देखते हैं इजाबेल अभी तक वर्जिन है और हमें पता चलता है कि थियो और इजाबेल सिर्फ एक साथ सोते हैं, इसके आगे वो लोग कुछ नहीं करते। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है, अगर तुम्हारे और थियो के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को कभी पता चले तो तुम क्या करोगी। इजाबेल कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसका मतलब इजाबेल नहीं चाहती कि किसी को उसके और थियो के बारे में पता चले। भाई बहन को इस हालत में देखना सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और दोनों ही अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो नहीं चाहते सोसाइटी उनका मजाक उड़ाए। फिर मैथ्यू किचन में जाता है और इसी दौरान थियो आके इजाबेल के पास लेट जाता है। तब मैथ्यू थियो को थैंक्स कहता है क्योंकि अब वो भी खुद को थियो और इजाबेल का हिस्सा मानने लगा है। लेकिन थियो ये क्लियर कर देता है कि वो और इजाबेल एक हैं और उनके बीच कोई नहीं आ सकता। मैथ्यू सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और हमेशा दोस्त ही रहेगा। इसके कुछ दिनों बाद उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो उनके डैड उन्हें देकर गए थे। घर पर जो कुछ बचा था उसी से इजाबेल खाना बनाती है लेकिन वो इतना बेकार होता है कि कोई खा नहीं पाता। थियो जाकर एक डस्टबिन से कुछ उठाकर लाता है जिसके अंदर एक केला निकलता है। तीनों उस केले को शेयर करके खाते हैं। खर्चा चलाने के लिए ये लोग छोटा मोटा जॉब करते हैं। एक दिन ये लोग एक साथ नहा रहे थे तब थियो और मैथ्यू में बहस हो जाती है। अमेरिकन्स वियतनाम पर हमला कर रहे हैं, वो बच्चों को मार रहे हैं, किसानों के खेत जला दे रहे हैं, ये सब थियो को पसंद नहीं इसलिए वो सारे अमेरिकन्स को ब्लेम करता है। तब मैथ्यू कहता है, हमारे प्रेसिडेंट हमें फोर्स करते हैं वॉर में जाने के लिए, ना जाने पर वो जेल में डाल देते हैं। मेरे दोस्त वॉर पर गए हैं लेकिन मैं लकी हूँ जो अमेरिका से भाग पाया और यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मैथ्यू वायलेंस पर बिलीव नहीं करता, उसे लगता है किसी भी चीज़ का शांति से हल निकाला जा सकता है। इजाबेल इनकी बहस रोक देती है और मैथ्यू से पूछती है, तुम कहते हो तुम हम दोनों से प्यार करते हो, क्या इस बात का कोई प्रूफ तुम दे सकते हो। मैथ्यू कहता है, तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए। तब वो दोनों मिलकर मैथ्यू के प्यूबिक हेयर काटने लगते हैं। मैथ्यू मना करता है और कहता है, तुम दोनों सिर्फ शरीर से बड़े हुए हो, तुम्हारा दिमाग बच्चों वाला है। तुम दोनों एक साथ सोते हो, एक साथ नहाते हो, ठीक वैसे जैसे बच्चे करते हैं। ये तुम दोनों के लिए एक गेम है लेकिन ऐसे कभी तुम दोनों मैच्योर नहीं हो पाओगे। वो इजाबेल से पूछता है, क्या तुम कभी किसी लड़के के साथ डेट पर गई हो। वो मना करती है, वो कहती है वो थियो के अलावा किसी और के साथ कभी बाहर नहीं गई है। मैथ्यू उसे डेट पर इनवाइट करता है। वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं, उसके बाद मूवी देखते हैं। घर आकर देखते हैं थियो कमरे में एक लड़की के साथ है। दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर इजाबेल परेशान होती है। वो जेलस फील करती है और मैथ्यू को बाहर निकल जाने के लिए कहती है। अगले दिन फिर से थियो और मैथ्यू में बहस हो रही थी। थियो रिवॉल्यूशन के ऊपर भाषण दे रहा था। तब मैथ्यू कहता है, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन तुम कभी खुद जाकर प्रोटेस्ट नहीं करते। घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बाहर निकलना पड़ता है, सबके साथ निकलकर रिवॉल्यूशन में भाग लेना पड़ता है। तब इजाबेल आकर उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाती है। वो जब छोटे थे तब ऐसा टेंट बनाते थे और उसके अंदर सोते थे। ये तीनों उसी टेंट के अंदर सो जाते हैं। अगली सुबह उनके पेरेंट्स आते हैं। उन तीनों को टेंट के अंदर नेकेड देखकर वो शॉक हो जाते हैं। वो लोग उन्हें नहीं उठाते और एक चिट्ठी लिखकर टेबल पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। इजाबेल जब उठती है तब उसे चेक मिलता है। वो समझ जाती है उसके पेरेंट्स यहाँ आए थे और उन्हें सब पता चल चुका है। वो उसके पेरेंट्स को फिर से फेस नहीं कर पाएगी और वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है, इसलिए गैस लीक करके फिर से उनके पास लेट जाती है। लेकिन उसी टाइम बाहर दंगे हो रहे थे और एक पत्थर आकर टेंट पर गिरता है। थियो और मैथ्यू उठ जाते हैं। मैथ्यू पूछता है, ये स्मेल किसकी है। इजाबेल कहती है, टीयर गैस है। ये तीनों रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं और वो भी तीनों पॉलिस के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं।
वहीं पर कुछ लोग पुलिस के ऊपर बम फेंकने का प्लान बना रहे थे। थियो उनके साथ भिड़ जाता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन थियो नहीं सुनता। इजाबेल भी उसके साथ चली जाती है लेकिन मैथ्यू इन सब में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड में जो रिवॉल्यूशन दिखाया गया है, दरअसल वो सोसाइटी के खिलाफ इजाबेल और थियो जैसे लोगों का रिवॉल्यूशन है। डायरेक्टर हम ऑडियंस को यही समझाना चाहता था। इजाबेल अपनी डैड से डरती थी लेकिन जब उन्हें सब पता चल गया तब उसे किसी बात का डर नहीं है। वो सोसाइटी के खिलाफ थियो के साथ रह सकती है, अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन कभी किसी को बता नहीं पाए, लेकिन एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर हमेशा जेलस फील करते थे। लेकिन अब मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो उनकी लाइफ से चला जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।